निर्यात इकाइयों के शीर्ष संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फीओ ने कहा है कि वह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नए उत्पादों और बाजारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। फीओ के प्रेसिडेंट ने कहा है कि अक्टूबर तक ऑर्डर बुकिंग की स्थिति उत्साहजनक है, लेकिन नकदी संकट और नीतिगत मोर्चे पर अनिश्चितता के चलते निर्यातक आगे ऑर्डर लेने की स्थिति में नहीं है। संगठन की वार्षिक आसन सभा में फीओ के प्रेसिडेंट ने कहा कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में कंटेनरों की कमी, शिपिंग लाइनों के बार बार बंद होने और अत्यधिक माल ढुलाई दरों का मुद्दा उठाया गया है। इन दिक्कतों के चलते निर्यात पर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के समक्ष जो अन्य मुद्दे उठाए गए उसमें निर्यात और घरेलू आवश्यकता के बीच संतुलन बनाने के लिए कच्चे माल की निर्यात नीति को युक्ति संगत बनाना शामिल है। फीओ ने कहा है कि माल ढुलाई दरों में 300 से 350% की वृद्धि चिंता का विषय है। दक्षिण अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका के कुछ देशों के लिए इन दरों को 500% तक बढ़ाया गया है। संगठन ने मांग की है कि जब तक माल ढुलाई की दरें कम नहीं होती हैं तब इन पर सब्सिडी दी जाए। इस बीच एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट EPCH ने सोमवार को सरकार से एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम रोड टेप के तहत टैक्स रिफंड की दरों पर पुनर्विचार का आग्रह किया है। फिलहाल यह विभिन्न उत्पादों के लिए केवल 0.7% है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मीटिंग में EPCH के प्रेसिडेंट के अन्य मुद्दे भी उठाए गए। CLE चर्म निर्यात परिषद ने सरकार से आग्रह किया है कि PLI स्कीम को चमड़ा, चमड़ा उत्पादों और फुटवेयर क्षेत्र तक बढ़ाया जाए। संगठन ने कहा है कि ऐसा करने से न केवल घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि नए रोजगार पैदा होने के साथ निर्यात बढ़ाने में मदद भी मिलेगी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 13 सेक्टरों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के PLI स्कीम घोषित की है। इनमें कपड़ा, ऑटो, इस्पात, दूरसंचार और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। इसका उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV।